नमस्कार, आप दिख रहे हैं नित्यानु टीवी। नित्यानु टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। और मैं आपके साथ विनोद कुमार। की बड़ी खबर दतिया जिले से आ रही है। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार ने 3 महीने का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का पहले ही फैसला ले चुकी है, जिसके चलते मार्च अप्रैल मई का खाद्यान्न वितरण हो ही चुका है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 के चलते 2 महीने का अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण की घोषणा की गई है, जिसके चलते दतिया में दिनांक 4-5-6 में इस खाद्य सामग्री का वितरण डीएम संजय कुमार ने प्रशासन की देखरेख में प्रारंभ कर दिया है। इसी का निरीक्षण करने शहरी खाद्यान्न दुकान पर निरीक्षण करने पहुंचे डीएम संजय कुमार ने बताया, जिले की 155 सहकारी दुकानों पर नोडल अधिकारी की देखरेख में इस खाद्यान्न सामग्री का वितरण होगा। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। गरीबों की थाली तक उनका हक पहुंचाना ही हमारी जवाबदारी है। देखिए दतिया से रजनी लटोरिया की खास खबर। ये कोविड को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से 2 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रति सदस्य 5 किलो अनाज गेहूँ का प्रदाय किया जा रहा है। क्योंकि अतिरिक्त है, इसलिए हमने इसमें अतिरिक्त सावधानी बरती है और ज़िले के पूरे 255 दुकानों पर 4, 5 और 6 जून को एक साथ ये 2 महीने का जो अतिरिक्त राशन है उसको वितरण की व्यवस्था किया है। इसमें हर 4-5 राशन दुकानों के पीछे जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को नोडल बनाया है। वो जोनल अधिकारी के रूप में घूम घूम करके अपने जोन के सभी दुकानों के वितरण की व्यवस्था देखेंगे। व्यापक प्रचार प्रसार करा दिया है ताकि सभी ग्राहकों को पता चल जाए कि ये अतिरिक्त है, अर्थात अप्रैल मई और जून का जो निःशुल्क मुख्यमंत्री जी की ओर से जो निःशुल्क मिलना था वो मिलने के अतिरिक्त ये प्रधानमंत्री जी की ओर से भेजा गया राशन 2 महीने का अतिरिक्त मिल रहा है। कोई भ्रम न रहे, क्योंकि भ्रम में कई बार जो दुकानदार हैं वो राशन बचा लेते हैं, उसकी कालाबाजारी होती है। इसलिए ये अतिरिक्त जो राशन है वो गरीबों की थाली तक पहुँचे, इसमें कोई भ्रम न रहे, भ्रम के कारण लोग लेने से वंचित न रहे, इसलिए ये पूरा एक समग्र व्यवस्था बना दी है। होपफुली आज 4 तारीख से वितरण व्यवस्था चालू हुआ, जिसको देखने में दुकानों पे खुद ही निकला हूँ और उसी दिन शाम को इसकी समीक्षा करेंगे कि कितने हितग्राहियों में से कितने हितग्राहियों का वितरण हो गया, तो उसके आधार पर फिर हम आगे निर्णय सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक हितग्राही को उसके हक का गेहूँ, उसके हक का अनाज मिल गया। सर, किस किस गांव दुकानों का निरीक्षण किया है? अभी वार्ड नंबर 17 पे हूँ मैं, 33 और 34 35 36 नंबर वार्ड के दुकानों पर गया हूँ। और अभी ऑफिस जाकर करके पूरे जिले में जो नोडल अधिकारी हैं उनसे भी बात करूँगा। नेटवर्क पे इनका ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, उसके आधार पर देखूँगा। ख़ासतौर से अगर कहीं पे दुकान नहीं खुला हुआ होगा या कहीं पे वितरण नहीं हो रहा होगा तो उसकी समीक्षा करूँगा।